लॉकडाउन में गरीबों की कमर टूटी हुई है, बेरोजगारी महंगाई चरम सीमा पर है, इसमें बिजली पानी के बिल माफ किए जाए, दिल्ली सरकार यहाँ पे भी बिजली माफ होनी चाहिए। बहुत ही जो अभी हालात हैं कोरोना में, बेरोजगारी में युवा भटक रहा है और गरीबों के पास रोजगार नहीं है, ऐसी स्थिति में ये प्राइवेट कंपनियां जोर जुल्म कर रही है और ये प्राइवेट कंपनियां जिस प्रकार से अपनी तानाशाही चला रही है, ये भाजपा और कांग्रेस मिली हुई है, इन दोनों सरकारों में ये हुआ है। गरीब आदमी की कमर तो टूटी हुई है, इस कोरोना काल में बिजली और पानी के बिल माफ किए जाए, बिजली और पानी के बिल माफ किए जाए। अगर समय रहते हुए गरीबों की और इनकी पुकार नहीं सुनी गई तो पूरे राजस्थान में तो आंदोलन चल ही रहा है, बीकानेर में हम धरना करेंगे और पूरी बीकानेर की जनता से हम आह्वान करते हैं कि इस आंदोलन में शरीक हों और बिजली पानी जैसे मुद्दों पर सजग होकर इनका विद्रोह करें। बीकानेर की ओर से महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कोर्ट गेट के ऊपर हम लोग कर रहे हैं। वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा डीजल और पेट्रोल की भयंकर दाम बढ़ा दिए हैं, इससे आम जनता त्रस्त है और रसोई गैस का पैसा बढ़ा दिया है तथा बिजली की बिलों की इतनी भरमार यहाँ प्राइवेट कंपनी को ठेका दे रखा है, आम आदमी के कमर तोड़ दी है। इस महंगाई के युग के अंदर डीजल और पेट्रोल किसानों को भयंकर ले डूबा है, खेती के घर किसान है वो भी बड़े मजबूर हो चुके हैं इतनी डीजल की महंगाई के कारण। हम महंगाई के खिलाफ आम आदमी पार्टी पूरे राजस्थान के अंदर एक जलजला पैदा करके इस सरकार की खिलाफत करेंगे और आने वाले समय में सरकार का तख्ता पलट करेंगे।